झारखंड की राजधानी रांची में धरनों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में तमाम जो लोग हैं वो राजभवन के समीक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तमाम जो कर्मी हैं पिछले 3 सितंबर से हड़ताल पर है और इनका कहना है कि अगर सरकार इस ओर कोई पहल नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में ये लोग लगातार आंदोलन भी करते हुए नजर आएंगे। हम इन्हीं लोग से जानते हैं कि आखिर इनकी मूल मांग क्या कुछ है। लगातार राजधानी रांची में धरनों का भी सिलसिला तेज हो गया, आप लोग भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए, क्या कुछ आप लोगों की मूल मांगे हैं? बहुत धन्यवाद मैडम। पहले आपको, हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग कृषि प्रभाग में रिक्त पड़े समकक्षीय पदों पे हम लोगों का समायोजन किया जाए और ये मांग हम लोग पहले भी किए हुए हैं, पहले भी हड़ताल पे बैठे थे, यहाँ पे आश्वासन भी मिला था और विगत हम लोग कई महीने से लगातार हम लोग ज्ञापन देते आ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए अभी आप देख रहे हैं छुट्टी हो चाहे वर्किंग डे हो किसी भी समय हो, हमारे सभी कर्मी पूरे 2400 जिला के आत्मा कर्मी यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं और हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक मांग है समायोजन, दूसरा कोई नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आवास भी गए हुए थे, उन तक अपनी बातों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा, मिले, बोला कि ठीक है हम बात करते हैं, हम देखते हैं कुछ करते हैं। 12 तारीख की ये बात है, उसके बाद से कोई उस सकारात्मक पहल नहीं हुआ। एक बार प्रतिनिधि मंडल भी जाके उनसे मिला, बोले कि शाम को 4 बजे हम बताते हैं, हम 4 बजे कुछ करते हैं। उसके बाद भी अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। हम लोग आपको बता दें कि हम लोगों की संख्या 550 के करीब में है और इनके पास लगभग 2498 पद रिक्त हैं और ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पूरे अनुभवी हैं, 1 महीना से लेके 11 साल तक का अनुभव वाले हम लोग हैं और अपनी पूरी उम्र अगर इनको दे दिए हैं 10 साल 11 साल 12 साल जो भी दिए हुए हैं और हमारे वजह से इनको कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला हुआ है और अभी किसानों के लिए ज़रूरत है हम लोगों की, हम लोग पूरा काम करते हैं और हमारे बारे में एकदम सोच नहीं रहे हैं जबकि सबके बारे में सोच रहे हैं, कल्याणकारी सरकार है, एक बार हम लोगों के ऊपर भी दया दृष्टि कर ले। जहाँ तक बता दें कि हेमंत सरकार अभी जो हमारी कल्याणकारी सरकार है, पिछली बार लीडर अपोजिशन हुआ करते थे, उस समय भी हम लोग स्ट्राइक पे थे, उस समय उनको ज्ञापन दिए थे तो उन्होंने यही कहा कि हमारा वनवास है चल रहा है, हमारी सरकार आएगी संविदा कल्चर खत्म करेगी। वादे में उन्होंने आप लोगों को आश्वस्त किया था कि जब उस राज्य की सत्ता में आएंगे तो आप लोगों की जो भी मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने आश्वस्त किया हुआ था इस चीज़ को और हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं, हम लोगों का दशहरा दीपावली जो है ऐसे ही बीतेगा, यहीं बीतेगा, हम लोग बैठे हुए हैं। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बड़े ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं, चाहे हम बात करेंगे 1932 की पुरानी पेंशन योजना लागू की या फिर अन्य जो मुद्दा है, लगातार लोग उनके आवाज जा रहे हैं, उनका मांग पूरा हो रहा है, वो धन्यवाद भी दे रहे हैं। क्या इसी आश और उम्मीद के साथ आप लोग राजधानी रांची में बैठे हुए हड़ताल पर? आपने बहुत बड़ी बात कही मैडम, एकदम हम लोगों की मुख्य बात को आपने पकड़ लिया, बस उनसे एक ही उम्मीद है कि हमारा समायोजन करे और इनके अलावा कोई नहीं कर सकता है, ये उम्मीद से हम लोग बैठे हुए हैं, जो भी करेंगे यही करेंगे, हमारे सब कुछ यही है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे कर्ता धर्ता जो भी निर्णय लेने वाले मुख्य आदमी यही है झारखंड के और इनसे जितनी उम्मीद है उतना और किसी से उम्मीद नहीं है, ये हमारे उम्मीद पे खड़े उठेंगे और हमारे समायोजन का काम यथाशीघ्र और जितनी जल्दी हो यही कर सकते हैं और किन्हीं में ये शक्ति नहीं है जो प्रदान किया है, ऊपर वाले इनको एक बहुत बड़ी शक्ति दी है, वो शक्ति हमारे पर भी लगा दें और हमारा भी कल्याण कर दें। इसलिए लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, राजधानी रांची में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी धूप हो रही है, आप लोग लगातार हड़ताल पर बैठे, आज भी बारिश होने वाली, क्या बारिश में भी आप लोग हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे? जी हाँ मैडम, हमारा जो काम है, हम आज जाड़ा हो सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, हम लोग भींज कर खेतों में काम करने वाले कर्मी हैं, हर खेत में धान रोपना हो बीज वितरण करना हो या किसी और उद्यान का काम हो, मैं हमने 4-6 विभाग का काम है तो हमारे लिए सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात बारिश हो धूप निकला हो कुछ मायने नहीं रखता है, हर वक्त खेत में है क्योंकि इतने विभाग का काम कर रहे हैं, हमारी योजना एक है लेकिन हम करते हैं सभी का काम, सरकार ने जो भी आदेश दिया चाहे वो पशुपालन का हो मत्स्य का हो उद्यान का हो भूमि संरक्षण विभाग का हो और ब्लॉक में अंचल का हो BDO का काम हो, इसके अलावा दुर्गा पूजा हो दशहरा हो दिवाली हो सब में हमने मजिस्ट्रेट ड्यूटी किया है, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है यहाँ पर है, नहीं तो हम ऐसे भी डंडे लेकर के पुलिस के साथ खड़ा होते थे, रात रात भर मजिस्ट्रेट का ड्यूटी किए हैं,
हर त्यौहार में, होली में कभी हम लोगों ने त्यौहार मनाया ही नहीं है, तो ये तो हमारे लिए छोटी बात है और हमेशा इसी तरह से डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हम जिस स्थिति में खड़ा है अभी, इससे बैक होकर हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब हमारा 10 से 12 साल, हमने यहाँ जब योगदान दिया तो उस वक्त SMS के पोस्ट पर योगदान दिया था 2010 में, उसके बाद हम ATM बने, उसके बाद हम BTM बने, आज इन्होंने 3 बार हमने अपना नामांकन चेंज हुआ इसी पद पे काम करते हुए, और आज हमारे पास ये कंडीशन है कि 10 साल 12 साल काम करने के बाद समय ऐसा गवाह हो गया कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, परिवार का खर्चा बढ़ रहा है और यहाँ पर योजना की कंडीशन खराब होती जा रही है, सरकार का फ्लो बहुत कम है और काम पे काम हमारे पास लादा हुआ है, तो हम काम कर रहे हैं उसका मेहनत आना चाहिए, तो मेहनत आ रहे तौर पर हमारा समायोजन चाहिए, जिससे कि और भी जो इनके कर्मी हैं उनके तरह हमें भी व्यवहार कीजिए, एक आँख में कालिक और एक आँख में सुरमा बंद कीजिए सरकार। तो झारखंड के मुख्यमंत्री लगातार झारखंड के हितों में फैसले ले रहे हैं, आप लोग भी कई उम्मीद से यहाँ पर पहुँचे, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आपकी मुलाकात हो पाई है? नहीं मैडम, नहीं मुलाकात हो पाई। हम लोग 4 बार प्रयास किए हैं, पत्राचार भी किए हैं, लेकिन कोई समय नहीं दिया गया, मुलाकात नहीं हो पाई। उम्मीद है कि अगले सप्ताह में मुलाकात हो जाएगी, हमारे प्रतिनिधिमंडल प्रयास कर रहे हैं और एक बार मुलाकात हो जाए तो हो सकता है कि उनका आशीर्वाद मिल जाए हम लोगों के ऊपर। हम लोग अनुभव भी आप लोगों को 12 साल का, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने क्या कुछ कहा है, कुछ उन्होंने कहा है कि आप लोगों की जो मांगे वो जायज़ है या फिर जल्द से जल्द पूरी करेंगे? उन्होंने ये कहा कि मांग आपकी जायज़ है और आपके बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन बस यही कहा है, सोच रहे हैं, अभी कब तक सोचेंगे इसका पता नहीं। उम्मीद है ना? उम्मीद तो है, उम्मीद है। तो एक बार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मी जो है वो राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष हड़ताल पर बैठे हुए, इनका कहना है कि हमें सिर्फ एक ही मांग हमारी है, वो है समायोजन हमारा जल्द से जल्द करा दिया जाए। हालांकि ये जो तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, चूँकि राजधानी रांची में लगातार बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है, और ऐसे में तमाम जो लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं वो डटे हुए, इनका कहना है कि जब तक सरकार इस ओर कोई पहल नहीं करेगी हम लोग इसी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कई बड़े फैसले ले रहे हैं, चाहे 1932 की बात कर लेंगे या फिर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है जिसके बाद तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देने के लिए भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के समक्ष हर दिन, चाहे हम युवा की बात कर लेंगे, चाहे शिक्षक की बात कर लेंगे, अभ्यर्थियों की बात कर लेंगे, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम लोग अगले सप्ते मिलेंगे और उनसे अपनी तमाम जो परेशानी है वो उनके समक्ष रखेंगे। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख इस ओर क्या कुछ पहल करेंगे। अपने कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।